नमस्कार बच्चों, आर सी आई एजुकेशन हब की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कल तक हमने पढ़ लिया था कि विशेषण, विशेषण के प्रकार। तो हमने दो विशेषण, तीन विशेषण पढ़ लिए। कौन से? वे संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, और जो तीसरा था कौन सा था? परिमाणवाचक विशेषण। यानी कि हमने तीन विशेषण पढ़ लिए थे। आज हमारा चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। आप ये संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण क्यों कहलाता है? इसके दो नाम है, संकेतवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जो ये शब्द है, कौन सा जो ये विशेषण शब्द होता है वो क्या होता है? सर्वनाम। ऐसे शब्द जो सर्वनाम है किंतु वाक्य में विशेषण के रूप में काम आते हैं या विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं, अर्थात संज्ञा की विशेषता को प्रकट कर रहे हैं, ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण। चूंकि ये विशेषण मूल रूप से सर्वनाम है, जो ये विशेषण है इनके ये मूल रूप से क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे इस गेंद को मत फेंको, जैसे इस गेंद को मत फेंको, तो ये क्या है? इस शब्द, हम अगर इस ले, बिल्कुल इस ले, ये शब्द ले, तो ये क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। और जो गेंद है ये क्या है? संज्ञा शब्द है। तो ये संज्ञा है, ये इसकी और इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि इस गेंद को मत फेंको, इसलिए ये क्या है? संकेतवाचक विशेषण। इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है ना कि इस गेंद को मत फेंको, तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। और वैसे ये जो इस है, ये मूल रूप से क्या है? सर्वनाम हो गया, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। उस पुस्तक को मत पढ़ो, कि वो उसकी ओर इशारा कर रहा है, संकेत कर रहा है कि उस पुस्तक को मत पढ़ो, और मूल रूप से क्या है? सर्वनाम शब्द है, इसलिए इसको सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक विशेषण ऐसे शब्द जो मूल रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा है किंतु वाक्य में विशेषण का कार्य कर रहे हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यद्यपि ये संज्ञा शब्द है किंतु वाक्य में अन्य संज्ञा की विशेषता बता रहे। ये भी उसी प्रकार, जिस प्रकार ये सार्वनामिक विशेषण था या संकेतवाचक विशेषण था, उसी प्रकार वो सर्वनाम शब्द होकर संज्ञा की विशेषता बता रहा था। लेकिन ये स्वयं में एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और दूसरी संज्ञा की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। इसको क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक विशेषण। जैसे बनारसी साड़ी, अगर हम इसको ले, बनारस, बनारस एक शहर का नाम है, और शहर का नाम किस में आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। लेकिन वो उस साड़ी की विशेषता बता रहा है कि वो साड़ी किस प्रकार की है, बनारसी है, ये उसकी विशेषता है कि ये साड़ी कैसी है, बनारसी साड़ी है। तो ये यहाँ पर किसका काम कर रहा है? विशेषण का काम कर रहा है। कश्मीरी सेब, जो सेब है, कश्मीर है, यहाँ पे साड़ी संज्ञा है, सेब संज्ञा है, रजाई संज्ञा है, ठीक है। अब ये तो क्या है? ये तो जातिवाचक संज्ञा है, और ये जो आगे का शब्द है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे बनारस, बनारस का नाम, कश्मीर, कश्मीर भी एक जगह का नाम है, हमारे एक राज्य का नाम है, तो ये भी किसमें आता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। जयपुर, जयपुर भी व्यक्तिवाचक स्थान का नाम है, शहर का नाम है, तो शहर का नाम, ये जो जगह के नाम है, ये किसमें आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में आते हैं। लेकिन यहाँ पर ये दूसरी संज्ञा की क्या बता रहे हैं? विशेषता बता रहे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या हुए? ये व्यक्तिवाचक विशेषण। अब हम विशेषण हमारे कंप्लीट हो गए, इसके बाद में हम पढ़ते हैं विप्रय विशेषण क्या होते हैं। विशेषण हमने पढ़ लिया, विशेष्य हमें पता है कि भाई विशेष्य क्या होता है। विशेष्य क्या होता है? विशेषण जिस भी चीज की विशेषता जो बता रहा है, तो विशेषता जिस चीज की बताई जा रही है वो क्या कहलाता है? विशेष्य कहलाता है। और जिसकी विशेषता बताते हैं उसको क्या कहते हैं? विशेष्य। और संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं उनको क्या कहते हैं? विशेषण। और जिसकी विशेषता बताई जा रही है वो क्या कहलाते हैं? विशेष्य। इसी प्रकार है प्रय विशेषण, कि भी प्रय विशेषण किसको कहते हैं? प्रय विशेषण। प्रय विशेषण वो शब्द होते हैं जो विशेष
विशेषण की विशेषता बताते हैं। ऐसे शब्द जो विशेषण की ही विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रविशेषण। ऐसे शब्द जो विशेषण की विशेषता बताते हैं वे क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। वे प्रविशेषण कहलाते हैं। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे? भी जैसे देखो, अब इसमें देखो, लड़की बहुत अच्छी है। अगर यहाँ पे बहुत नहीं होता, लड़की अच्छी है। अरे विशेषता तो इसके अभी भी बताई जा रही है कि भी लड़की कैसी अच्छी है, उसकी विशेषता है कि वो अच्छी है। लेकिन इस विशेषता की विशेषण है ये अच्छी क्या हो गई? विशेषण हो गई। अब इस विशेषण की विशेषता बता रहे क्या? बहुत, कि ये बहुत अच्छी है, अति सुंदर है। यह गाय अति सुंदर है। अब इसमें जो ये गाय है, इसकी वैसे तो ये गाय सुंदर है, ये भी एक विशेषता हो गई, लेकिन अति सुंदर है तो अति क्या हो गया? प्रय विशेषण हो गया, बहुत हो गया, अति हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं? प्रय विशेषण में आते हैं। यानी कि विशेषण की ही विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रविशेषण कहलाते हैं। अब हमारे जो विशेषण टॉपिक है वो कंप्लीट हो चुका है। इसमें हम अब क्वेश्चन लेंगे। पहला क्वेश्चन है, विशेष्य किसे कहते हैं? ठीक, विशेष्य किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा। और दूसरा क्वेश्चन है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, दो किलो शब्द में कौन सा विशेषण है? ठीक है, इस प्रकार हमारे 3 क्वेश्चन हैं। इनको भी करते रहना है आपको, और साथ साथ इनको याद भी करते रहना। आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।